मन क्या है? मन कोई ठोस वस्तु नहीं, मन का खुद का आकार प्रकृति नहीं, ये जिस ओर भी मुड़ सकता है। मन अपना रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, स्वभाव बदल सकता है। मन अपने में होने में कुछ नहीं है, मन को हम खुद निर्मित करते हैं। परिवार के संस्कार से, समाज और देश के संस्कार से, और अपनी सोच समझने की क्षमता से और परिस्थिति से मन जिस ओर भी मुड़ सकता है। हम जैसे सोचते हैं मन वैसा ही हो जाता है। मन में बहुत संस्कार पड़ जाते हैं बचपन से। हम मन को निर्मित करते हैं, पर हम मन का स्वामी नहीं होते, हम मन का दास बन जाते हैं। हमने मन पर संस्कार डाला, कभी ये कभी वो, बहुत सारा नियम। अब मन बहुत प्रकार से बढ़ रहा है, अब हम मन को नहीं चला सकते, अब मन हमको चलाएगा, हमें कठपुतली बनाएगा। एक समय तक तो मन ऐसे संस्कार हो ही जाता है, हमारे वश में नहीं, परिवार, समाज और देश से संस्कारित हो जाता है, अच्छे बुरे कुछ भी। पर एक समय पर आके हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि ये संस्कार जो हम मानते हैं, हम जानते हैं, ये मन जो हमें चला रहा है, क्या ये सही है? मन जिस प्रकार से संस्कारित हुआ है उसी प्रकार से कार्य भी करता है। देखने का नजरिया, लोगों को समझने का क्षमता, मन में जिस प्रकार के संस्कार इकट्ठा हुआ है, वैसे ही हम किसी को अच्छा किसी को बुरा बोलेंगे। जो हमारे मन को ठीक लगता है उसे हम अच्छा बोलेंगे, और जो ठीक नहीं लगता उसे हम बुरा बोलेंगे। मन कोई भी चीज को क्या सही तरह से देख रहा है या संस्कार के हिसाब से चल रहा है? पहले तो हम मन को निर्मित करते हैं, फिर उसी मन से विचार उड़ता है और उसी विचार से हम निर्मित हो जाते हैं। हम यानी क्या? हम यानी वो ही मन, हम मन ही बन जाते हैं। हम वही मन को ही मैं समझ बैठते हैं। मन में पड़े संस्कारों से ही मैं भाव प्रकट हो जाता है और हम खुद को ये वो समझ बैठते हैं। नहीं तो हम शरीर की किस भाग को मैं बोलते हैं? अनेकों संस्कारों से संस्कारित होके ही मैं भाव प्रकट होता है, अर्थात मन। अब मन हमें चलाता है, अब ये बहुत शक्तिशाली हो गया, अब हम स्वयं मन को चला पाए नामुमकिन जैसा है। हम में से बहुत को तो कुछ पता ही नहीं। मन जहाँ जाता है शरीर को भी वो वहीं ले जाता है, पूरा के पूरा मन के वश हो गया है। मन को हमने निर्मित किया है, मन को हम चलाए तो अच्छा है, अब पूरा के पूरा मन हमें चला रहा है। हमें क्यों सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती? हम किसी चीज को देखते हैं तो वैसे का वैसा क्यों नहीं देख पाते? हमारे पुराने धारणाएं के कारण। हमें संसार का नीति क्यों नहीं दिखाई पड़ता? हमें सत्य का बोध क्यों नहीं होता? ईश्वर का अनुभूति क्यों नहीं होता? मन के कारण, संस्कारों के कारण मन मिटने का नाम नहीं करता, और मन जब तक नहीं मिटता तब तक कुछ भी बोध नहीं होगा, कुछ भी सही सही दिखाई नहीं पड़ेगा। मन बहुत मजबूती से बैठा है, बहुत शक्तिशाली हुआ है। आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है मन का मिटना, अहंकार का मिटना। हमने जो आज तक खुद को सोचा है, जो माना है, वो मिटना, जैसे जैसे खुद मिट जाना, एक तरह से मर जाना जैसा। जो मरने को राजी हो जाए वो ही मन को मिटा सकता है। मन में पड़े संस्कारों से खुद को क्या क्या मान रखा है? अच्छे इंसान, बुरे इंसान, या कोई ऊंचे पद का इंसान, किसी धर्म का, या किसी का माँ बाप, या किसी का पति पत्नी, किसी का बेटा बेटी, किसी का भाई बहन, या कुछ भी मान रखा है, उन सब से खुद को मुक्त करना है। ये सब दाव पे लगाने को राजी हो जाए तो, ये सब के लिए राजी होना जैसे जैसे मर जाना। जब मन शांत हो जाता है तो स्पष्टता आ जाता है, जब मन मिट जाता है तो पूरा का पूरा शून्य हो जाता है, कुछ नहीं, खाली, और वही पूर्ण भी, सब कुछ है। मन का मिट जाना आपका ही मिट जाना,
आपका अभाव में ही परमात्मा कहो या आत्मा प्रकट होते हैं। मन का मिट जाने से ही आत्मा बोध होगा, तब आप सब चीज सही सही देख सकोगे। कभी दुख कभी सुख ये तो होता ही रहेगा, पर आप अंदर से पूरा का पूरा बदल जाओगे। वे चीज पहले जितना असर करता था अब नहीं करेगा उतना असर। अब आप जान पाओगे उस दुख सुख को। अब आप निश्चिंत हो और के जैसे हर जगह नहीं भागोगे। अब मन आपके वश में होगा, आपको हर तरफ नहीं दौड़ाएगा। जो अनावश्यक आपके पास था उससे आप छूट जाओगे। वे खुद ही जो अनावश्यक था सब छूट जाएगा। थोड़े से जो जरूरत है जो आपके काम के है वो ही आपके पास रहेगा। जो बेकाम के थे वे अपने आप छूट जाएगा। फिर आपको खुद और दूसरों को देखकर हंसी आएगा। सब कितना विवश है, किसी का भी मन का दौर अपने वश में नहीं। अपने ही जाल में आप ही फंस गए हैं और उन्हें पता भी नहीं मैं अपने ही जाल में फंसा हूँ। मैं भाव यानी मैं मिटना नहीं चाहता। जो संस्कार इकट्ठा किया है अब ये इसके दम से और मजबूत होना चाहता है और पूरा जीवन भर पैसा मान सम्मान ऊंचे पद नाम के लिए पूरा दौड़ता है। जितना भी आ जाए फिर भी तब भी मन नहीं भरता, तब भी शांति नहीं मिलती, कभी रुकता ही नहीं और मैं को और शक्तिशाली बनाता जाता है। मैं का शक्तिशाली अर्थात मन का शक्तिशाली। जितना शक्तिशाली होके मन हमें चलाएगा उतना ही हम दुख दर्द पीड़ा अतृप्ति असंतुष्टि एक अच्छे खासे सजाए हुए मशीन की तरह जीवन जिएंगे और ऐसे ही अतृप्त असंतुष्टि में मर जाएंगे।